नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। फांसी गेट पर रेलिंग तोड़ते हुए दुकान में घुसा ट्रक, ट्रक ड्राइवर की झपकी पड़ी दुकानदार पर भारी। विधायक व एसपी ने किया सीएम रैली स्थल का दौरा, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मतदान केंद्रों पर जरूरतमंद दिव्यांगजनों को उपलब्ध करवाई जाएगी व्हीलचेयर की सुविधा। और अब खबरें विस्तार से। ट्रक ड्राइवर की झपकी के कारण हांसी चौक पर उस समय जान हानि होने से टल गई जब ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए एक दुकान में जा घुसा। ट्रक ड्राइवर घटना के बाद मौके से फरार हो गया। इस बारे में दुकान मालिक ने बताया कि ट्रक के कारण दुकान में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। वहीं उन्होंने NHAI से सड़कों पर मजबूत गेट लगाने की मांग की है। यातायात नियमों की उल्लंघना जान माल के नुकसान का मुख्य कारण बनता है, चाहे वो उल्लंघना नादानी में की गई हो या फिर अनजाने में। भिवानी में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहां ट्रक ड्राइवर की एक झपकी ने दुकानदार के लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। इस बारे में मिली जानकारी अनुसार अल सुबह महल गेट से हांसी गेट की तरफ एक ट्रक आ रहा था। इस दौरान ट्रक ड्राइवर की आंख लग गई तथा यह ट्रक डिवाइडर की रेलिंग तोड़ते हुए हांसी गेट से जूतों की दुकान में जा घुसा, जिसे दुकान मालिक को 3 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया गया है। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक का मालिक भी मौके पर पहुंचा तथा उन्होंने दुकान मालिक को नुकसान की भरपाई किए जाने का आश्वासन दिया। मेरे पास 5-1 बजे फोन आया कि आपकी दुकान के अंदर गाड़ी घुस गई और आप ये अपना मुआयना कर रहे हैं, कितना नुकसान हुआ। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, सब कुछ अंदर तक गाड़ी। तो क्या कुछ मटेरियल था सर गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर दारू की पेटी है, बिना नंबर की गाड़ी है और गाड़ी वाले ने पूरा ट्रक अंदर घुसा दिया जी है। कम से कम 10 से 15 लाख रुपये का नुकसान है। सारे तो कांच चले गए, सारा टफन चला गया, सारे बोर्ड चले गए। टोटल 10 से 15 लाख का नुकसान है। हम चाहते हैं हमारा जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए बिना कोताही बरते हुए। पुलिस वाले SI वीरेंद्र जी आए थे, उन्होंने कहा भी आपका पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा, उसके बगैर हम गाड़ी छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, इसलिए अपने मार्केट को इकट्ठा नहीं है। आप देखिए सब कुछ टूटने लग रहा है हमारा। 11 अप्रैल को भाजपा के द्वारा मेला ग्राउंड में आयोजित की जाने वाली विजय संकल्प रैली के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों के बारे में विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि रैली को CM नायब सिंह सैनी, वित्त मंत्री JP दलाल, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री विश्वंभर बाल्मीकि और भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह संबोधित करेंगे। वहीं SP वरुण सिंगला ने बताया कि यातायात व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर भिवानी SP वरुण सिंगला द्वारा CM रैली स्थल का जायजा लिया गया तथा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दूसरी ओर विधायक घनश्याम सराफ ने भी रैली स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि विजय संकल्प रैली को लेकर तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई है। रैली में 10,000 से अधिक लोगों का हुजूम उमड़ने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी और 400 पार के साथ फिर से मोदी सरकार बनाने का कार्य करेंगे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए SP वरुण सिंगला ने बताया कि रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध पुलिस द्वारा किए गए हैं, साथ ही चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ये कहना चाहता हूँ, ये रैली ऐतिहासिक होने वाली है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और प्रदेश के अन्य नेता हमारे बीच में होंगे। माननीय मनोहर लाल जी का भी विशेष रूप से यहाँ पे आगमन होने जा रहा है और सबका आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये रैली मोदी जी के लिए है। मोदी जी की सरकार 400 पार, इस टाइप का नारा हमने दिया है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। कितने 10,000 से ऊपर लोग एकत्रित होंगे और इस रैली में ये भिवानी की सबसे बड़ी रैली होगी जो अभी तक नहीं हो पाई है। और हम ये मानते हैं कि जो ये रैली है उससे सभी विरोधियों के हौसले भी पक्त हो जाएंगे
और सारे मिलके बीजेपी के आदमी काम कर रहे हैं, तो सबके साथ हम आगे बढ़ेंगे और पूरी तरह से मोदी जी की सरकार बहुत अधिक मार्जिन से भिवानी लोकसभा से रहने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और बीच वाली गैलरी में भी हम कूलर वगैरह और पानी का सारा सिस्टम हम बना देंगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ का हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी का जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको चेक करने के लिए, व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए ब्रीफिंग ऑफ फोर्स के लिए यहाँ आज हम इकट्ठे हुए थे। एक जो एडवांस सिक्योरिटी लाइजन होता है वो उसको वो कर रहे हैं और ठीक प्रकार से सभी हमारे जो फोर्स है उसके जीओज और इंस्पेक्टर्स को अपनी ड्यूटी ब्रीफ कर दी गई है अच्छे से। हम लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले दिव्यांगजनों को व्हील चेयर करवाई जाएगी उपलब्ध। इस बारे में चुनाव तहसीलदार विनोद तंवर ने बताया कि 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और समाज कल्याण विभाग को जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांगजनों को व्हील चेयर उपलब्ध करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं उन्होंने डाक मत पत्र भेजने वालों को घर पर जाकर फॉर्म 12D भरवाने के आदेश दिए। जिला भिवानी के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 16 मार्च 2024 तक कुल 8,66,222 मतदाता हैं, जिनमें से 4,58,472 पुरुष एवं 4,07,742 महिला मतदाता हैं। जिले में 912 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग से जिले में 8,782 दिव्यांगजनों की सूची प्राप्त हुई है। इनमें से अब तक 5,330 दिव्यांगजनों के नाम मतदाता सूची में मिल चुके हैं। शेष 5,452 की मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने की प्रक्रिया जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दिव्यांगजनों के वोट बनवाकर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करवाना सुनिश्चित करें, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। नए वोट बनवाने का काम 25 अप्रैल तक चलेगा। वहीं चुनाव तहसीलदार विनोद तंवर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। इसके अलावा मतदान के समय कोविड-19 से संक्रमित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12D अपने BLO को देना होगा, उसके बाद उनको पोस्टल बैलेट जारी किया जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि पोस्टल बैलेट की श्रेणी में आने वाले हर मतदाता के पास फॉर्म 12D भेजा जाए। अब एक खबर चलते चलते, जननायक जनता पार्टी का भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद मची भगदड़ ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। पार्टी के 4 विधायक दल बदलने को तैयार हैं। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने अपनी पूर्व घरेलू पार्टी इनेलो में जाने की इच्छा जाहिर की है। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जेजेपी का एकमात्र घोषित उम्मीदवार राव बहादुर सिंह भी कभी भी पार्टी छोड़कर जा सकता है। इस पर जेजेपी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने चाचा के बारे में तंज कसा और कहा कि वे नकारात्मक बातें करते हैं। अब सबकी नजर राव बहादुर सिंह पर टिकी हुई है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। फांसी गेट पर रेलिंग तोड़ते हुए दुकान में घुसा ट्रक, ट्रक ड्राइवर की झपकी पड़ी दुकानदार पर भारी। विधायक व SP ने किया CM रैली स्थल का दौरा, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मतदान केंद्र पर जरूरतमंद दिव्यांग जनों को उपलब्ध करवाई जाएगी व्हील चेयर की सुविधा। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।